गुड़िया बेटी अपने भाई का ख्याल रखना, मैं दिए का तेल लेकर अभी आती हूँ। मम्मा इस दिए से क्या करते हैं? बेटी रात को ये दिया हमें रोशनी देता है। सुना है कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू होने वाली हैं। बारिश की रात में घर में रोशनी का होना बहुत जरूरी होता है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया मैं दूसरे जंगल बेरी खाने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नहीं गोरी, मैं तो अपने दिए का तेल लेने जा रही हूँ। वहाँ मीठी मीठी लाल पकी हुई बेरी है, बहुत मजा आएगा। मैंने और मेरे बच्चों ने दाना खा लिया है और ये दिन काम करने के हैं। सुना है बारिशें शुरू होने वाली हैं। अगर काम ना किया तो बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाएगी। चिड़िया की बच्ची तुझे तो हर समय काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, जाओ करो काम, मैं तो चली बेरी खाने। चिड़िया अपनी राह लेती है और गोरी कौवी बेरी खाने निकल जाती है। चिड़िया बहन तुम्हारे दिए की बत्ती भी खराब है, कहो तो नहीं डाल दूं? हाँ कबूतर भैया, मेरा ये दिया नए जैसा कर दो। मेरे बच्चों को बारिश में अंधेरे से बहुत डर लगता है। हम बारिश की रात दिया जलाकर बातें किया करेंगे। ठीक है चिड़िया बहन। फिर कबूतर चाचा चिड़िया के दिए की मरम्मत करने लगता है और चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। गोरी कौवी सारा दिन बेरियां खाती है और मौज मस्ती करती है। गोरी कौवी का पति कालू कौवा जो बहुत आलसी था, वो भी भोजन खाकर नदी पर जाकर सो जाता और कोई भी काम धंधा ना करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया के पास घर में दाना भी था, फल भी और रोशनी के लिए दिया भी, लेकिन कालू कौवी के घर में कुछ ना था। वो और गोरी कौवी खिड़की में बैठ जाते हैं और आते जाते पक्षियों से खाने की चीजें मांगते हैं। तोते तोते रुको रुको, तोते भैया क्या तुम्हारे घर में कुछ दाने हैं? अगर है तो अपनी बहन गोरी को एक दाना दे दो। नो नो, मेरे पास तो बहुत थोड़ा भोजन है, वो मैंने अपने लिए जमा कर रखा है। तोता चला जाता है तो कालू कौवा कबूतर को आवाज देता है, कबूतर कबूतर रुको रुको मेरे दोस्त, जल्दी बताओ अगर तुमने मुझसे दाना मांगना है तो ना मांगो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। कबूतर ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। कालू जी अब क्या होगा, अब तो हम भूख से मर जाएंगे। तुम चिंता ना करो गौरी, रात होने दो, रात होते ही मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूँगा। और फिर रात हो जाती है, कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बारिश में उड़ना कालू कौवे के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसे भोजन तो चुराना ही था, इसलिए वो उड़ता हुआ सीधा तोते के घर जाता है। तोते ने खिड़की बंद कर रखी थी। इस मोटी चोंच वाले तोते ने तो खिड़की भी बंद कर रखी है। कौवा आहिस्ता से दरवाजे को जोर लगा कर देखता है, कौन कौन है? तोते की आवाज सुनकर कौवा भाग जाता है। तोता दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, शायद हवा के जोर से दरवाजा हिल रहा है। कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे चिड़िया के घर से रोशनी दिखाई देती है। कौवा मुड़ता है और चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। मम्मा कहानी सुनाना, मम्मा प्लीज। गुड़िया बहन मम्मा सो गई है। कौवा खिड़की से दूर हो जाता है। गुड़िया बहन आप भी सो जाएं अब। बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद कालू कौवा फिर से खिड़की में आता है और फिर आहिस्ता से पहले अपनी टांगे और फिर पंख अंदर करके चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवा आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव चिड़िया के दाने की तरफ जाता है। कौवा एक गेहूं की बाली अपनी चोंच में लेता है और जैसे ही पलटने लगता है उसकी पूंछ दिए से टकरा जाती है। कौवे की पूंछ को आग लग जाती है। बचाओ बचाओ मेरी पूंछ जल रही है, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और बच्चे उड़ जाते हैं और जोर से हंसने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा हमारे पास दो दिए हो गए। कौवे अंकल की पूंछ तो दिए से ज्यादा रोशन है। कालू कौवे अगर चोरियां करोगे तो पूंछ तो जलेगी ही। फिर चिड़िया घड़े से पानी लेकर कौवे की पूंछ पर डाल देती है। मुझे तो गौरी ने भेजा था। चिड़िया मेरी पूंछ पर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे मरहम लगा दो। फिर चिड़िया कौवे की पूंछ पर मरहम पट्टी लगा देती है और कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। कुकू को झूठ बोलने की बुरी आदत थी, जबकि गुड़िया हमेशा सच बोलती थी। बच्चों नदी से पानी पीकर सीधे घर आ जाना, कहीं इधर उधर न जाना। ठीक है मम्मा अब हम जाएं। फिर कुकू और गुड़िया नदी से पानी पीने चले जाते हैं।
रास्ते में चाचा कबूतर का आमों का बाग था। कुकू कबूतर के आमों के बाग की तरफ चल देता है। बुढ़िया पीछे जाकर भाई को रोकती है। मम्मा ने कहा था नदी से पानी पीकर सीधे घर आना भाई। मैं जाऊंगा और मम्मा से झूठ बोल दूंगा, तुम जाओ। ऐसा नहीं करते, झूठ बोलना बुरी बात होती है। मगर कुकू नहीं मानता। गुड़िया नदी की तरफ चली जाती है और कुकू चाचा कबूतर के बाग से चोरी के आम खाने लगता है। गुड़िया जब घर पहुंचती है तो उसकी मम्मा गुड़िया से पूछती है, बेटी कुकू भाई कहाँ है? मम्मा मैंने भाई को मना किया था, मगर कुकू भाई कबूतर चाचा के बाग से आम खाने चला गया। आले घर, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं कुकू को। थोड़ी देर बाद कुकू भी घर आ जाता है। कहाँ थे तुम? मम्मा मैं नदी से पानी पीकर वापस आने ही वाला था कि एक तितली नदी में गिर गई और मैं उसे नदी से बाहर निकाल कर उसके घर छोड़ने चला गया था। मगर गुड़िया ने तो बताया है तुम कबूतर के बाग में आम खाने चले गए थे। कब? मैं तो अभी नदी पर ही था, गुड़िया को क्या मालूम। गुड़िया अपने भाई के झूठ को सुनकर हैरान हो रही थी। कुकू चलो ऊंचे झरने पर नहाने जाते हैं। मगर मम्मा नहीं मानेंगी। अपनी मम्मा से कहो कि हम कीकी के पास अपना छुट्टियों का होमवर्क लिखने जा रहे हैं, ऐसे तुम्हारी मम्मा मान जाएगी। फिर कुकू अपने घर जाता है। मम्मा मैं और जग्गू कीकी के घर जा रहे हैं, वहाँ हम सब एक साथ बैठकर अपना छुट्टियों का होमवर्क लिखेंगे। मगर याद रखना, कोई शरारत ना करना, सीधे जाना और सीधे घर वापिस आना। ठीक है मम्मा। कुकू अपनी मम्मा से झूठ बोलकर घर से निकलता है। दोनों जग्गू और कुकू जामुन के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। दोनों अपने अपने बैग उसी जामुन के पेड़ के नीचे रखकर ऊंचे झरने पर नहाने चले जाते हैं। कुकू कुकू जल्दी उड़ो, अभी झरना दूर है। वो बहुत तेज उड़ते हैं और थोड़ी देर बाद झरने पर पहुंच जाते हैं। वो झरना तो ऊंची पहाड़ी से आ रहा था। ये बच्चों का खेल नहीं है, जाओ बच्चों, इस झरने का पानी बहुत तेज है, ये तुम्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। नहीं नहीं अंकल, हम तो झरना देखने आए हैं, आप जाइए। पानी के अंदर न जाना। जाते हुए तोता एक बार फिर से ऐसा कहता है। चला गया वो तोता, चला गया। चलो कुकू झरने के पानी में नहाते हैं। कुकू मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो पिछले दिनों भी अपने पापा के साथ यहाँ आया था, मुझे तो डर नहीं लगता। ऐसे कहते हुए जग्गू झरने के पानी में कूद जाता है और नहाने लगता है। जग्गू को देखकर कुकू भी झरने के पानी में कूद जाता है। पानी बहुत गहरा था, एक बार तो कुकू गहराई में चला जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। ये पानी तो बहुत गहरा है। झरने का पानी घाटी में गिर रहा था। कुकू आहिस्ता आहिस्ता घाटी की तरफ सरकता जाता है। जग्गू जग्गू मुझे पकड़ो, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। कुकू तुम यहाँ आ जाओ, अगर मैं वहाँ गया तो मैं भी गिर जाऊँगा। दूसरे ही लम्हे कुकू पानी के साथ ही कई सौ फुट गहरी घाटी में गिर जाता है। वो पानी से जोर से टकराता है और अपने पंख फैलाकर पानी पर तैरने लगता है। वो चकरा गया था और उसकी आंखें बंद थीं। गौरी ये देखो, ये पड़े हैं दोनों के बैग, वो बैग यहाँ रख कर गए हैं। वो दोनों जरूर ऊंचे झरने पर गए होंगे। चिड़िया हमें जल्दी जल्दी वहाँ जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और गौरी कवी जल्दी जल्दी से झरने की तरफ उड़ती हैं। जग्गू किनारे पर बैठा रो रहा था। चिड़िया और कवि भी वहाँ पहुँच जाती हैं। जग्गू कुकू कहाँ है? मम्मा कुकू नीचे घाटी में गिर गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मेरा बच्चा, मेरा कुकू। मम्मा चिड़िया जल्दी से नीचे घाटी की तरफ जाती है और अपने बेटे को पानी से निकाल लेती है। जब कुकू आंखें खोलता है तो वो बुलबुल आंटी के पास था और उसके पंख और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सामने कुकू की मम्मा और बहन गुड़िया खड़ी थीं। कुकू उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुकू भैया अब आंखें खोल लें, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद आप दोबारा मम्मा से झूठ नहीं बोलेंगे।